नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश के कुछ छात्र जो भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति को यहां समझने प्रयाग कुंभ में आए हैं। आपका स्वागत है, बहुत धन्यवाद। कैसे आए हैं? हम यहां पर ये आसाम से होकर ट्रेन से आए हैं। क्या क्या देखा है अभी तक यहाँ? कितने दिन? अभी तक हम लोग यहाँ पर 2 दिन बैठ चुके हैं, तो आज कल भी आए थे यहाँ पर संगम देखने के लिए, तो आज भी आए हैं। जो संगम में यहाँ पर हमारे यमुना नदी, गंगा नदी और जो मिस्टीरियस सरस्वती नदी है उसका मेल को देखने के लिए आए हैं। फिलहाल तो यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम एक्चुअली यहाँ पर अपने खुद के जो एक हमारे खुद का जो संस्कृति है उसे दिखाने आए हैं। वो हम वो आज एक हमारा जो संस्कार भारती का जो केंद्र है वहाँ पर हम एक अरुणाचल के लोग हैं, जनजाति हैं, वहाँ पर आकर हम अपना मतलब संस्कृति में दिखाने के लिए सीख रहे हैं। संतों के दर्शन भी हुए? संतों के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं, अभी हम ढूंढ रहे हैं, दर्शन हो जाए तो अच्छा। इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? ये हमारे अरुणाचल पे ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं क्योंकि हमारे वहाँ 20 से ज़्यादा मतलब जनजाति हैं, तो सबके अपने अलग अलग भाषा हैं, तो हम एक दूसरे से हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं। कितने दिन के लिए हैं यहाँ? अभी और 2-3 दिन के लिए हैं। आप भी आए, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हुआ कुंभ में अच्छा लग रहा है? आपको कुंभ में अच्छा लग रहा है? पहली बार आए कुंभ? आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो ये थे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश के छात्र छात्राएं जो भारतीय संस्कृति को समझने प्रयागराज कुंभ आए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।